Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about lanthanides, and in this particular lecture we shall study about its introduction, ore crushing and ore concentration steps. So aaj hum study karenge lanthanides ke bare mein. और आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड लेक्चर, तो उसी का ही वीडियो की फॉर्म में जो है वो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे कि व्हाट आर लैंथेनाइड्स. दैट इफ़ यू सी के 57 से स्टार्ट हो रहा है और ये ल्यूटिशियम तक जा रहा है 71 एटॉमिक नंबर तक, ये पूरी लैंथेनाइड की सीरीज़ है. इस तरह इसके नीचे एक्टिनाइड्स की सीरीज़ है. तो अगर हम इसकी पोजिशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, तो बेरियम 56, इसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर आएगा लैंथनम 57 इस पोजीशन पर. लैंथनम के बाद फिर ये सारी सीरीज़ चलेगी और ल्यूटिशियम जो है 71, ल्यूटिशियम के बाद जो है यहाँ पर अगेन आएगा हाफमियम. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लैंथेनाइड को हम लैंथनम को हम लैंथेनाइड में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसका जो 4F है वो एम्प्टी है. तो डेफिनेशन क्या है लैंथेनाइड्स की, द एलिमेंट्स इन विच 4F ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन दैट आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स. सिमिलरली जिनमें 5F होता है उनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स. तो इस तरह एक्टिनाइड में एक्टिनम जो है उसमें 5F जो है वो एम्प्टी है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते. बोथ लैंथेनम एंड एक्टिनम दे आर पार्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट. तो यहाँ पर ये डी ब्लॉक चल रहा है, तो स्कैंडियम है, फिर येट्रियम है, फिर यहाँ लैंथनम आएगा और एक्टिनम आएगा. इसके बाद थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक जो है वो लाइन यहाँ पर इंसर्ट होगी और लॉरेंसियम के बाद यहाँ पर ये रदरफोर्डियम जो है वो इंसर्ट हो रहा है. सो अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं कि ये आपका एस ब्लॉक है और ये आपका जो है वो पी ब्लॉक है. एस और पी के दरमियान ट्रांजिशन कर रहा है, ये आपके ट्रांजिशन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. अब ट्रांजिशन में भी दो हैं, एक डी है और एफ है. डी को हम आउटर ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं कि ये बाहर की साइड पर हैं. अब अगर आप देखें कि ये और ये और इन दोनों डी ब्लॉक की इन लाइनों के दरमियान में ये सारे इंसर्ट हैं, तो इसलिए 4F और 5F को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, डी ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और इन दोनों को हम मिलाकर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज दे लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. ना सिर्फ इनकी जो लोकेशन है वो एस और पी के दरमियान ट्रांजिट कर रही है, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. फॉर एग्ज़ाम्पल एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, वेयर एज जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. लेकिन जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आयनिक करैक्टर भी होता है और कोवलेंट करैक्टर भी होता है. सो हम लैंथेनम को टेक्निकली स्पीकिंग हम लैंथेनाइड में इंक्लूड नहीं करते. सिमिलरली एक्टिनम को हम टेक्निकली स्पीकिंग एक्टिनाइड्स में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हम इनको इसके साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनके साथ मिलती जुलती हैं, लैंथेनम की भी और एक्टिनम की विद लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स रिस्पेक्टिवली. ये जो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स हैं इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं. रेयर मीन्स के नायाब हैं. एक्चुअली एट द टाइम ऑफ देयर डिस्कवरी दीज वर वेरी स्मॉल इन क्वान्टिटी, लाइक अर्थ क्रस्ट में इनके डिपॉजिट बहुत कम थे, तो इनको हम जो है रेयर अर्थ मेटल्स भी जो है वो तब कहते थे. लेकिन आजकल जो है वो इनकी कंसंट्रेशन काफ़ी है, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई हैं, साइंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, मशीनरी डेवलप की है, मुख्तलिफ टेक्निक्स डेवलप की हैं, तो अब हमें इनके डिपॉजिट्स जो हैं वो काफ़ी सारे मिलने शुरू हो गए हैं. अब अगर आप देखें कि इनके जो नेम हैं उनकी भी एक हिस्ट्री है. और इफ़ यू सी एक्टिनम जो है उसमें अगर आप देखें तो यूरेनियम है. यूरेनियम के बाद ये जितने भी नेपचोनियम, प्लूटोनियम, लॉरेंसियम और फिर ये आगे जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं आफ्टर यूरेनियम, इनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स. ये सारे आर्टिफिशियल हैं. नेचुरल यकरिंग यूरेनियम तक ही है 92, ये भी रेडियो एक्टिव है. उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर आर्टिफिशियल और इनको ख़ास टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस में, एनवायरनमेंट में जो है वो प्रोड्यूस किया गया है.
अदरवाइज इनकी नेचुरली एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है। नेचुरल जो है वो यूरेनियम तक ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो हमने इन एलिमेंट्स की बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इनकी एप्लीकेशंस हैं, और कुछ इनकी एप्लीकेशंस तो ऐसी हैं दैट मेक देम एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ गोल्ड। बहुत सारे ये एलिमेंट्स जो हैं इनमें वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो बैटरीज बनाने में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे की मटेरियल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये बड़े जो है वो एक्सपेंसिव मेटल्स कंसीडर होती हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों। नाउ अगर आप बात करें लोकेशन की कि ये जो लैंथेनाइड्स के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर इनकी ज़्यादा एग्जिस्टेंस है, तो मोस्टली दे एग्जिस्ट इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रीजन। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं उनमें इन्वॉल्व है डेनमार्क है, उनमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो कहलाते हैं, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा कूल रीजन है, यानी कि यहाँ पर जो है वो माइनस में टेम्परेचर होता है। सो कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इनके पोलर रीजन्स में भी आते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट है दैट इज़ मोस्टली द हिली एरियाज, तो हिली एरिया भी है, ग्रीन लैंड भी है, और विंटर में जो है वो फुली जो है आइस कवर्ड होता है सारा। तो यहाँ पर जो है वो लैंथेनाइड्स की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा यूएस में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में जो है वो इनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई इन एरियाज़ में जो माइनिंग बिजनेस है वो काफ़ी जो है वो पॉपुलर है, और इस माइनिंग में लैंथेनाइड्स की ही माइनिंग जो है वो ज़्यादा की जाती है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि इन दिस पार्ट ऑफ द कोर्स वी हैव टू स्टडी द मेटलर्जी, एंड मेटलर्जी है एक्सट्रैक्शन एंड स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो मेटलर्जी में हम क्या करते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो ओर होती है या कच धात होती है मेटल की, उसमें ओर हम कहते हैं किसे हैं कि मेटल प्लस सिलिका एलुमिना अर्थ क्रस्ट, इसको हम ओर कहते हैं। ओर में मेटल के अलावा जो बाकी अनडिजायर्ड मटेरियल है या सिलिका एलुमिना, इसको हम गैंग मटेरियल भी कहते हैं। तो मेटलर्जी एक्चुअली क्या है कि अपनी प्योर मेटल को गैंग मटेरियल से सेपरेट करना है, और मेटल जो है ज़ाहिर है उसका कोई साल्ट है तो उसको हमने प्योर मेटालिक फॉर्म में लेकर आना है, मेटालिक फॉर्म में जो फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लॉयट करते हैं। तो जो ओर होती है उसके डिफरेंट के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। देखिए, आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करना है तो पहले किसी भी जो आपकी पीस है उसको आप स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल साइज़ में क्या होगा कि जब उसका स्मॉल साइज़ होगा तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, पार्टिकल के साथ इंट्रैक्शन जो है वो किसी भी सॉल्वेंट की केमिकल की वो बढ़ जाएगी। तो पार्टिकल जितना स्मॉल होगा उतनी ही केमिकल की इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, तो उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। सो दैट इज़ वाई हमने पहले किसी भी जो ओर है उसके पोर्शन को पहले ग्राइंड करना है या क्रश करना है। सो जो भी ओर्स होती हैं वो ज़ाहिर है इन दी फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स होती हैं, तो उन डिपॉजिट से हम ओर को लेके आते हैं और उनको पहले क्रशर्स में डालते हैं। लाइक यहाँ पर ये जा क्रशर्स, एक जा क्रशर दिखाया गया, ये आप देख रहे हैं कि जा बना हुआ है। तो यहाँ से फीड है कि हम बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर डालेंगे, फिर ये जा क्लोज होगा, तो जब ये आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, तो जिससे ये पिस जाएंगे और इनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एज जा क्रशर्स। तो इनका फ़ायदा क्या है कि इससे जो आपके बड़े बड़े पीसीज हैं, चंक्स हैं, वो स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर देन वी पास देम थ्रू दी ग्राइंडर्स। ग्राइंडर का ऑप्शन जो है, अब ग्राइंडिंग जो है वो बॉल मिल्स के साथ जो है वो सबसे फाइन होती है। बॉल मिल का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। लाइक बॉल मिल में अगर आप देखें कि ये एक रोटेटिंग सिलेंडर सा है, और इसको यहाँ पर ओपन करके दिखाया गया है, इसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स हैं, और साथ ही जो है वो आपका यहाँ पर
जो मेटल है वो होती है। तो जब ये वेट करेगा तो इन बॉल्स का हैवी वेट होता है, तो ये जो जो भी हम इसमें चीज़ डालेंगे वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और बड़ा फाइन। तो इस तरह क्रशर्स, ग्राइंडर्स और बॉल मिल्स की हेल्प से हम जो है जो आपकी ओर होती है उसको बहुत स्मॉल साइज़ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर उस पर फर्दर ट्रीटमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ फिज़िकल एंड केमिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं ताकि उनको हम जो है ना सिर्फ इंडिविजुअली सेपरेट करें बल्कि हम उनको मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम ये ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। इफ़ यू सी यहाँ पर एक रोल मिल जो है वो दिखाई हुई है, तो ये आप रोल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो डिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से जो पाउडर फॉर्म है उसको मज़ीद फाइन करने के लिए हम जो है इन रोल मिल से जो है वो गुजारते हैं। तो इस तरह डिफरेंट फिनोमेना अप्रोच करते हैं हम, और जो आपकी ओर का बड़ा साइज़ होता है उसको बहुत फाइन पाउडर में हम कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मेटलर्जी, जब हमने किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम पहले ये स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। नाउ जो पार्टिकल का साइज़ होता है उसको हम जो है वो मैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मैश क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 मैश है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 100 पोर्स पर यूनिट सेंटीमीटर एरिया जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो साइज़ उतना है। लेकिन अगर जो है उसी एरिया में अगर 1000 मैश हो तो ज़ाहिर है हमें उस एरिया में उतने पोर्स बनाने के लिए उनका साइज़ स्मॉल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जितना मैश जो है नंबर वो ज़्यादा होगा उतना ही वो पार्टिकल जो है वो फाइन होगा। अगर इस एरिया में जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर 10 पोर्स हों, 10 मैश हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उनका साइज़ बड़ा बड़ा कर देना इवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर जब जब पोर का साइज़ बड़ा होगा तो उसमें लार्ज साइज़ के पार्टिकल जो हैं वो उसमें से पास करेंगे। सो इन दिस वे वी डू क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और अपनी डिज़ायर्ड मैश साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हम पार्टिकल्स को कर लेते हैं सेपरेट। दीज थिंग्स हैव नॉट बीन रिटन इन दी जीडीटूली, इनिशियली रैंडम फॉर्म में लिखी गई, लेकिन थोड़ी सी इनकी अरेंजमेंट है तो वो मैंने इसलिए यहाँ पर हेडिंग्स जो हैं वो सेपरेट बनाई है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, ये अगर क्रैकिंग जो है वो थर्ड में आता है, सेकंड स्टेप है कंसंट्रेशन स्टेप। तो कंसंट्रेशन जो है वो हम कुछ करेंगे। कंसंट्रेशन स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। कंसंट्रेशन स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखें, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ओर में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और दूसरा अनवांटेड सिलिका, एलुमिना, लाइक सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स वो होते हैं। तो वो सारा मटेरियल कहलाता है गैंग मटेरियल। तो जो मेटल की कंसंट्रेशन है वो होनी चाहिए उस चंक में काफ़ी ज़्यादा, तो फिर ही हमें ट्रीटमेंट का फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर हम इतने एक्सपेंसिव केमिकल्स यूज़ करें और एट द एंड जो है वो आपको मेटल बहुत कम कंसंट्रेशन में मिले तो वो फिर प्रोसेस जो है वो फाइनेंशली वायबल नहीं रहेगा। तो हमने फाइनेंशली वायबल बनाने के लिए हमने मेटल की कंसंट्रेशन जो है उसमें बढ़ानी है। तो मेटल की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आगे डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें एक रिपल टैंक मेथड है, एक फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है और एक मैग्नेटिक सेपरेशन। रिपल टैंक जो है, दिस इज़ द बेसिक असेंबली ऑफ रिपल टैंक मेथड। अगर आप देखें कि ये रिपल्स हैं, ऐसे वेजेस जो हैं वो बने हुए हैं, तो यहाँ पर एक तरफ से जो है वो हम वाटर का प्रेशर जो है वो इस पर स्ट्राइक करवा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें स्लोप है तो वाटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जाएगा, और ऊपर से जो है वो हम वही फाइन पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो ये मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब आपकी मेटल जो है उसका वेट ज़्यादा है और जो आपका गैंग मटेरियल है उसका वेट कम है। तो जो आपकी मेटल होगी जिसमें मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पर इन रिपल्स के दरमियान में डिपॉजिट कर जाएंगे, और जो आपकी लाइटर गैंग मटेरियल है वो सरफेस रन ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बॉटम में आपको वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे जिसमें लैंथेनाइड या एक्टिनाइड मेटल्स के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो फिर आप इनको कलेक्ट करके आगे उनका फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकंड, ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ जो है वो फोम को या झाग को भी कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप जो है वो
ये लस्सी बनाते हैं या जो है आप बटर निकालते हैं उसमें से, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये मेथड तब यूज़ करेंगे जब आपका गैंग मटेरियल हैवी है और जब आपके मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो लाइटर हैं। सो दिस सिचुएशन इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द रिपल टैंक मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर एंड ऑयल की इमल्शन बनाएंगे। उससे होगा क्या कि एक यहाँ पर जो है फ्रॉथ सी बनेगी, झाग सी बनेगी। अब जो आपके मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे अगर वो लाइट इन वेट हुए तो वो उस फोम या झाग के को उस उन पार्टिकल्स को फोम ने घेर लिया होगा और सराउंड कर लिया होगा एंड दे विल रीच इनटू द सरफेस, वेयर एज जो आपका गैंग मटेरियल है वो हैवी होगा और वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह हम इस स्लैग को, इस फोम को या इस फ्रॉथ को जो है वो कलेक्ट कर लेंगे और इसमें हमारे जो है वो लैंथेनाइट की कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी। थर्ड जो मेथड है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है बिटवीन गैंग एंड योर मेटल, जब उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल एक जैसी है। तो एक्चुअली एक फ़र्क है, वो ये है कि जो लैंथेनाइड हैं उनमें जो मेटल्स होती हैं उन पर कोई ना कोई चार्ज होता है या उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नेट्स के साथ सेपरेशन कर सकते हैं। तो जो आपकी मेटालिक कंपोनेंट्स होंगे वो मेटल होने की वजह से, उनमें प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वेयर एज जो आपका गैंग मटेरियल है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस मैग्नेटिक सेपरेशन के ज़रिए जो है वो हम सेपरेशन कर लेंगे आपके मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की फ्रॉम योर गैंग मटीरियल। इस तरह अभी हमने दो स्टेप्स किए हैं, एक हमने फिज़िकल स्टेप किया है जिसमें हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की है और दूसरा जो है वो हमने कंसंट्रेशन स्टेप किया है। उसके फिर आगे जो है वो तीन किस्म के जो है वो स्टेप्स है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी है कि जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके जो है वो दो पोर्शन है, एक मिनरल प्योर मेटल जिसमें होती है और एक गैंग जो कि बेस मटीरियल जो है वो होता है जिसमें। Now if we jump into the notes of GD2Li, तो इसमें पहले पेज में वही डेफिनेशन है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो है वो लिखी हुई है और इसके बाद पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड्स जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स। तो इसमें अब हम ओर्स के नेम वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि पीछे हमने ओर को जनरली लिया है लेकिन उनके ख़ास नेमिंग है तो उसको हम करेंगे। तो पहले जो रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स हैं उनको हम टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। मिनरल की डेफिनेशन क्या है? सो मिनरल की डेफिनेशन है कि अर्थ क्रस्ट का वो कंपोनेंट जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो जो लैंथेनाइड्स हैं उसका भी प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या लैंथेनाइड्स हैं इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहेंगे सीरियम ग्रुप मिनरल्स और दूसरी जो टाइप्स है उसको हम कहेंगे यट्रियम ग्रुप मिनरल्स। तो दो टाइप्स की मिनरल्स हैं। जो सीरियम ग्रुप ऑफ मिनरल है उसमें लैंथेनम से लेकर यूरोपियम तक के जो है वो एलिमेंट्स होंगे। लाइक इफ़ यू सी इन द पीरियोडिक टेबल, तो लैंथेनम, सीरियम, प्राजियोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमिथियम, समारियम एंड यूरोपियम। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लैंथेनाइड्स और फर्स्ट हाफ ऑफ द लैंथेनाइड्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन सीरियम ग्रुप मिनरल्स। इनको हम लाइटर ग्रुप मिनरल्स भी कहते हैं जिसमें लाइटर एलिमेंट्स होंगे। दूसरा है यट्रियम ग्रुप मिनरल्स और यट्रियम ग्रुप में रिमेनिंग है लाइक That include from gadolinium, terbium, dysprosmium, holmium, erbium, thallium, ytterbium and lutetium. तो ये वाले elements जो हैं these are in yttrium group minerals. तो जो lighter हैं उनका cerium के नाम पर रखा है और जो heavy हैं उनका ytterbium के name से जो है वो या yttrium के name से उनको जो है वो उनको naming दी है। Now जो cerium group minerals हैं उनकी आगे तीन उनमें ओर्स हैं, ठीक है। ये देखें ये मिनरल्स हैं और उन मिनरल्स में आगे तीन किस्म की जो है वो ओर्स हैं। इन सबको मिलाकर हम मिनरल कहेंगे लैंथेनाइड की, लेकिन आगे उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है जिनको हम ओर्स कहते हैं। तो नंबर वन पर है मोनाजाइट,
नंबर टू पर है बास्टियोसाइट एंड नंबर थ्री पर है सीराइट, CERITE. तो ये जो तीनों ओर्स हैं मोनाजाइट, बास्टियोसाइट एंड सीराइट, दीज थ्री ओर्स आर प्रेजेंट इन सीरियम ग्रुप मिनरल्स. सेकंड जो यट्रियम ग्रुप मिनरल्स हैं इसी तरह उसमें भी तीन जो है वो ओर्स हैं. एक है यहाँ पर गैडोलिनाइट और यटरबाइट, नंबर टू पर है जीनोटीन एंड नंबर थ्री पर है यूजीनाइट. तो अब आप देखें कि मिनरल को जैसे हमने डिफाइन किया है कि मिनरल अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट है जिसके स्ट्रक्चर में कोई अरेंजमेंट होती है. अब हर मिनरल जो है उसमें किसी ना किसी ख़ास एलिमेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उस लिहाज से हमने फिर उनको डिफरेंट ओर्स में डिवाइड किया है. तो ओज में ख़ास पर्टिकुलर एलिमेंट की डोमिनेंस होगी और प्लस उसमें साथ जो है वो अनवांटेड सिलिका, एलुमिनिया या डस्ट और सैंड पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम फिर गैंग मटेरियल जो है वो कहते हैं. अब सबसे पहले जो सीरियम ग्रुप मिनरल्स हैं जिनमें तीन ओर्स हैं मोनाजाइट, बास्टियोसाइट एंड सीराइट, उनकी देखते हैं कंपोजिशन क्या है. सो जो मोनाजाइट ओर है एक्चुअली इट इज़ अ सैंड मिक्सचर ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट्स ऑफ सीरियम अर्थ. तो सीरियम फॉस्फेट जो है वो इसमें ज़्यादा डोमिनेंट होता है एंड इट इज़ मोस्टली एग्जिस्ट इन इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड USA. तो इन में जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है. सेकंड जो है वो बास्टियोसाइट है एंड बास्टियोसाइट में सीरियम ग्रुप मिनरल्स हैं, साथ इनमें ये इनके फ्लोरोकार्बोनेट्स हैं. देखिए अब फ्लोरोकार्बोनेट जो है वो गैंग मटेरियल है. इसी तरह यहाँ पर जो फॉस्फेट है ये सॉयल का पार्टिकल है, तो दिस इज़ अ गैंग मटेरियल. लेकिन इसमें जो सीरियम अर्थ हम कह रहे हैं, सीरियम अर्थ का मतलब क्या है कि इसमें लैंथनम से लेकर और यूरोपियम तक के जो है वो एलिमेंट्स हैं. लेकिन मोनाजाइट का क्यों कहते हैं कि जब सीरियम फॉस्फेट है मोनाजाइट कहेंगे, जब बास्टियोसाइट है तो हम कहेंगे सीरियम के साथ फ्लोरोकार्बोनेट्स हैं, और सीराइट हम क्या कहेंगे जब यहाँ पर हाइड्रेटेड सिलिकेट्स हैं सीरियम ग्रुप एलिमेंट्स के. यहाँ पर अब सीरियम आपने एक मेटल को नहीं लेना, बल्कि सीरियम जो है वो अब आपने लैंथनम से लेकर यूरोपियम तक के एलिमेंट्स को जो है वो कंसीडर करना है. सो जो बास्टियोसाइट्स है ये स्वीडन, कैलिफोर्निया एंड न्यू मैक्सिको में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज जो सीराइट है वो स्वीडन एंड ये कैक्सस का कोई एरिया है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली जो हैवी ग्रुप मिनरल्स हैं यानी कि यट्रियम ग्रुप मिनरल्स हैं, उनमें आगे तीन जो हैं वो ओर्स हैं गैडोलिनाइट और यटरबाइट, नंबर टू जीनोटीन एंड नंबर थ्री यूजीनाइट. ये EUXENITE है, यूजीनाइट. अब जो यट्रियम इसमें है ग्रुप है ये एक्चुअली आयरन एंड बेरिलियम सिलिकेट्स ऑफ यट्रियम ग्रुप मिनरल्स हैं, यानी कि इनमें आयरन और बेरिलियम जो है अलॉन्ग विद सिलिकेट्स ये है गैंग मटेरियल, वेयर एज आपका जो डिज़ायर्ड थिंग है वो है यट्रियम. और यट्रियम वाई का यहाँ पर मतलब क्या है, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम गैडोलिनियम टू ल्यूटिशियम वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं. दीज आर ऑल्सो फाउंड इन स्वीडन, नॉर्वे, USA की ये जो दो स्टेट्स है टेक्सास एंड कोलोराडो, तो यहाँ पर भी ये एग्जिस्ट करते हैं. इसके बाद है जीनोटीन. जीनोटीन इज दी ऑर्थोफॉस्फेट्स ऑफ यट्रियम ग्रुप मिनरल्स, जैसे मोनाजाइट थी इसी तरह जीनोटीन है. सो जीनोटीन इज फॉस्फेट ग्रुप मिनरल्स ऑफ यट्रियम और ये नॉर्वे एंड ब्राज़ील में एग्जिस्ट करते हैं. ऑल दीज आर हिली एरियाज. एंड यूजीनाइट जो है दीज आर एक्चुअली दी मिक्सचर ऑफ टाइटिनेट्स, नायोबिएट्स एंड टेंटलेट्स ऑफ यट्रियम ग्रुप. तो इनमें नायोबियम है, टेंटलम है, इनके टाइटेनियम ऑक्साइड है, इन तीन मेटल के ऑक्साइड्स हैं और साथ आपका जो है वो डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट वाई है, इसको हम कहते हैं ओर को यूजीनाइट. एंड ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया एंड एडायो
एरिया ऑफ यूएसए में एग्जिस्ट करते हैं। अगेन इफ़ यू सर्च ऑल दीज एरियाज़ ऑन नेट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आप देखें तो ये सारे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर ये मिनरल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं ओर्स की हमने पहले बात की है कि उन ओर्स को हम स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करेंगे बाई यूजिंग जॉ क्रशर्स, बाई यूजिंग बॉल मिल्स, बाई यूजिंग रोलर मिल्स, और उसके बाद फिर हम उनको कंसनट्रेशन उनकी करेंगे बाई यूजिंग टिपल टैंक मैथड, फ्रॉग फ्लोटेशन मैथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड। इसके बाद जो अगर आप अगर देखें ये मेन डायग्राम, इसमें अब हमने नेक्स्ट जो है ये भी इसमें हमने स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग वाला भी एंड कंसनट्रेशन वाला भी कर लिया। इसके बाद हमने करना है स्टेप क्रैकिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है क्रैक करना, तोड़ना, ओपन करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि हमने पाउडर फॉर्म बना ली, फिर उसको हमने सेपरेट कर लिया, अब हमने उसमें से गैंग मटेरियल सिलिका एलुमिनिया एलुमिना जो है वो रिमूव करना है, सैंड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स अलहदा करने हैं, और जो साल्ट्स आपकी प्योर मेटल के हैं वो अलहदा करने हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रैकिंग और ओपनिंग, और ये दो तरीक़ों से होगी, एसिडिक क्रैकिंग भी कहते हैं और बेसिक क्रैकिंग भी कहते हैं, जिससे और ओपन अप हो जाएगी और उसमें जो गैंग मटेरियल है वो एक तरफ हो जाएगा और जो आपके लैंथेनाइड्स के नाइट्रेट्स हैं या सल्फेट्स हैं या क्लोराइड्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, और फिर बाद में उनको हम फर्दर ट्रीट करके मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।